नमस्ते साथियों, आप कभी कभी देख गेट का मोटर जब बदलते हैं तो देखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें चार वायर होते हैं, कौन सा वायर रन का है, कौन सा स्टार्ट का है, आपको तकलीफ होती है क्योंकि बाहर का वायर बदल बदल के आता है कलर। मोटर के अंदर ढक्कन कभी कभी आप खोलते नहीं हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहले हम देख लेंगे बाहर से कैसे पता करेंगे कि वायर हमारा रन का कौन सा है, स्टार्ट का कौन सा है। स्टार्ट में कंडेंसर लगी रहती है, रन में कंडेंसर नहीं लगी रहती है। दो कॉइल का ये मोटर होता है। तो आप सीधे इसका कंटिन्यूटी बजा लीजिए। जाना भाई इधर चार बार में से बारी बारी में किसी में कंटिन्यूटी बजा लीजिए। जिसमें बज रहा है वो आपका रन का है क्योंकि उसमें कंडेंसर नहीं लगी है। देखिए इसमें बज रहा है कंटिन्यूटी, बजर बज रही है और रेजिस्टेंस इसका कितना बता रहा है। जोर से पकड़ने पर आपका रेजिस्टेंस इसका 8-9 मेगा ओम आता है, 8-9 ओम आता है, सॉरी 8-9 ओम आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका दो वायर जो है रन का है। ये दो वायर आपको रन में लगाने हैं, ये बाकी दो वायर आपको स्टार्ट में लगा देना है ना। यदि बीच में मोटर रखिए और यदि बंद करते समय खुल रहा है तो आप एक का पॉलिटी चेंज कर दीजिए, यानी एक नंबर दो नंबर लगाया तो इसको एक नंबर में लगाइए, इसको दो नंबर में लगाइए। किसी भी वायर को स्टार्ट या रन के किसी के वायर को भी अल्टरनेट कर देंगे तो आपका डायरेक्शन जो होती है गेट का बूम का ऑपरेशन का वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे ढक्कन खोल कैसे पता करेंगे। तो ढक्कन खोलने के बाद आपको देखिए दोस्तों चार वायर जाता है यहाँ से, एक सीरीज में कंडेंसर लगी रहती है एक के वायर में। ये बाहर से आने वाली आपकी चार वायर है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बाहर से आने वाली वायर, एक लाल वाली यहाँ लगी है, ब्लैक वाली यहाँ, ब्लू वाली यहाँ लगी है, एक हरा वाली यहाँ लगी है और एक पीला वाली यहाँ लगी है। तो ये देखिए आपको चार वायर जा रही है, अंदर जाने वाली है ऐसा कलर वाली वायर है, एक है, दो है, तीन है, चार है, ये चारों टर्मिनल में लगा है। तो आपको इसमें से दो वायर जो है, एक जो कंडेंसर लगा है इसमें सीरीज में उसका एक पकड़ लीजिए, एक वायर यहाँ आउटगोइंग हो गया, यहाँ से कंडेंसर को जा रहा है, एक बार यहाँ से आई बाहर से, यहाँ से कंडेंसर को आया, कंडेंसर से सीरीज में होकर यहाँ आया, यानी यहाँ से अंदर चला गया, एक वायर आपकी यहाँ से चली गई है ना। तो ये एक साइड के मोटर का हो गया और एक साइड का ये मोटर का हो गया अंदर जाने वाली, यानी ये दो रन के हो गए और दो ये अंदर जाने वाली यहाँ से स्टार्ट का हो गया, चाहे यहाँ से पकड़ के सीरीज में डायोड लेकर के यहाँ से हो गया, यानी एक तरफ रन और एक तरफ स्टार्ट की वायर आपकी अंदर जा रही है। तीन वायर के मोटर में सिंपली लाल वाली वायर जो रहती है बाहर में अंदर में भी है ना, लाल वाली वायर आपकी कॉमन होती है। इन दोनों में से एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन कंडीशन में आपका यदि गेट बीच में रखिए बूम को और ये लगाने के बाद ये कॉमन में लगाइए, इसको जो है ओपन वाला में क्लोज वाला में लगा दीजिए। यदि गेट ओपन के जगह क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब पॉलिटी इसका बदलना पड़ेगा, बदल दीजिए, हो गया है ना। नया वाला हच के मोटर में अभी तीन वायर वाला ही आ रहा है ना, ग्लोबल में चार वायर के ही आ रहे हैं। तो कभी भी आप बाहर से फंस गए तो ये ध्यान रखिए इसमें एक ओपन है, एक क्लोज है और एक ये कॉमन है ना सिंगल में। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। बाहर से ढक्कन नहीं भी खोले तो भी, मान लो कभी आप गेट का वायर निकाल दिए, कंडक्टर बदल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, मोटर आपके ऊपर अंदर पहले से लगी हुई है, दिखता नहीं है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।